हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे जेपी कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। और आइए, आज का हमारा क्लास है फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन का पार्ट टू है। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वे लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ताकि यहाँ पर सीएचएस एग्जाम का तैयारी चल रहा है, ठीक है ना। और जो लोग अब तक नहीं जुड़े हैं, वे लोग जुड़ जाएं। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके यहाँ जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए, आज का देखते हैं एसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी जो मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही क्रम या अवरोही क्रम, यानी ऐसा देखिए कोई ऐसी पूर्णांक संख्या जो है कि जैसे 4, 2, 3, 1, ठीक है ना, जैसे 4, 3, 2, 1, ठीक है, इतना समझ में आया। यह क्या है? अवरोही क्रम, यानी इसे हम घटते क्रम भी बोलते हैं। अगर ऐसी संख्या आ जाए तो क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। मान लीजिए मैं बोल दिया कि 2, 5, 3, 1, 4, 2, ठीक है, मैं बोल दिया कि संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है ना, अवरोही क्रम में लिखिए, ठीक है। अवरोही क्रम में का मतलब लिखिए तो क्या हो जाएगा, आप पहले अवरोही क्रम का मतलब एसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे अवरोही क्रम में, तो पहले क्या करेंगे, इन संख्या में देखेंगे, यानी घटते क्रम, यानी सबसे बड़ी संख्या पहले देखेंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या 5 हो गई, फिर इसके बाद 4 हो जाएगी, ठीक है, फिर इसके बाद 3 हो जाएगी, फिर इसके बाद 2 है, तो 2 है, तो फिर 2 है, 2 को लिख देंगे, फिर इसके बाद 1। अब हमारा यह क्या हो गया, अब क्या हो गया, एसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका आगे चल के डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब आरोही क्रम। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? आरोही क्रम। आरोही यानी कोई ऐसा पूर्णांक संख्या, जैसे एग्जांपल में आप लोग कुछ भी बता देते हैं, एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल जैसे 2, 1, 2, 3, 4, 5, या क्या है आरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या है? आरोही क्रम है, आरोही क्रम डिसेंडिंग है, जैसे 1 से यानी या बढ़ते क्रम, यानी इसे बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, आरोही क्रम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते क्रम जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गया, बढ़ते क्रम हो गया। तो अब देखिए, जैसे कि अब एक मैं सवाल लिख रहा हूं, जैसे 7, 8, 5, 2, 3, ठीक है, 9, 10, 1, ठीक। अब इस संख्या जो है, जितनी संख्या है, इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में क्या करना है, लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। यानी आरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है, छोटी संख्या इसमें कौन है, 1 है, फिर इसके बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद देख लेंगे, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 है, तो 5 की लिख लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 के बाद 6 भी नहीं है, तो 7 है, 7 की लिख लेते हैं, फिर इसके बाद 7 के बाद 8 है, 8 के बाद क्या है, 9 है, 9 के बाद 10 है। तो ये हमारा क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, यानी आरोही क्रम हो गया, तो आरोही क्रम हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर और एसेंडिंग ऑर्डर समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम होता है और एसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम होता है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे, ठीक है। मैं आगे चल के सवाल बताऊंगा आपको, मैं बस यह समझाने के लिए, यानी मेथड जो बेसिक से मैं बताया हूँ समझाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। आप जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना, थैंक यू।